हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चहल एकेडमी। और आज यूपीएससी ने हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज दी है। फाइनली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आप में से कई एस्पिरेंट्स को इस चीज का इंतजार था, इस मोमेंट का इंतजार था कि आखिरकार वो अपना फॉर्म कब फिल कर पाएंगे, आखिरकार वो उस स्टेज को कब देख पाएंगे, कब भर पाएंगे जिसके थ्रू वो फाइनली आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो आज यूपीएससी ने इस नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए ये स्टेज ओपन कर दिया है। आपके लिए फाइनली आईएएस बनने का जो मार्ग था वो अब ओपन हो गया है। तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है, आखिरकार यूपीएससी ने ऐसी क्या पॉजिटिव न्यूज दी है। यदि आप पिछले नोटिफिकेशन से कंपेयर करोगे तो यूपीएससी ने लगभग 100 वैकेंसीज को एनहांस किया है, इंप्रूव कर दिया है। तो ऐसे में हमारे लिए आईएएस बनने का रास्ता और भी आसान हो गया है। तो इस उत्साह के साथ, इस जोश के साथ अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेज है, फाइनली फॉर्म फिल करना है, उसे अब हमें क्या करना है, आगे कदम बढ़ाना है। तो चहल एकेडमी आपके लिए इस वीडियो में इसी बातों को लेकर आया है कि आखिरकार किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने जरूरी है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि फाइनली जब आप मेंस या इंटरव्यू में जाएंगे तो फाइनल सेल थ्रू आपका फाइनल नेम पीडीएफ में आना चाहिए। वो चीज तभी संभव होगी जब आपका ये पर्टिकुलर स्टेज, ये पर्टिकुलर चरण सही दिशा में सही तरीके से निभाया जाएगा, कदम उठाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में एक लाइव डिस्कशन के साथ देखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन में चीजें रहनी चाहिए, क्या चीजों को अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, यूपीएससी की वेबसाइट पर। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाने के लिए आप या तो गूगल पर सीधा यूपीएससी टाइप कीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर जो यूपीएससी की वेबसाइट है upsc.gov.in उसे सीधा टाइप कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप कहां पर चले जाएंगे, यूपीएससी की डायरेक्टली वेबसाइट पर। जैसे ही आप यूपीएससी की वेबसाइट ये ओपन करेंगे तो आपको फॉर्म कहां मिलेगा, ये आप ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है एंड अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन, इसमें जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। यहां पर इस तीन सेक्शन के अंतर्गत आपको जाना है मिडिल सेक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 का पेज ओपन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रिलिमिनरी स्टेज का ये जो फॉर्म है वो दो स्टेजेस में भरना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज पर क्लिक करेंगे, पार्ट वन, क्लिक हियर फॉर पार्ट वन। जैसे ही आप करेंगे तो आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। इसे ध्यान से पढ़िएगा, स्पेशली द पॉइंट्स नंबर 11, 12 एंड 13। वहां पर यूपीएससी ने आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस जरूरी है। ये स्पेसिफिकेशन पर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से फिलअप हो जाए। इसके पश्चात आपको पॉइंट नंबर 19 जो कि यूपीएससी ने बोल्ड में लिखा है उसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यहां पर यूपीएससी ने यह चीज बताई है कि मेंस का सेंटर, प्रीलिम्स का सेंटर, एज वेल एज जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और किस मीडियम में आप ये एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं। अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया है तो आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो इस बोल्ड वाली चीज को ध्यान से पढ़िएगा जो बोल्ड कैप्शन में यूपीएससी ने दिया हुआ है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के साथ आपको यहां पर दिया जाएगा कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लिए हैं। उसके बाद आप कीजिएगा हाँ। अब जैसे ही आप हाँ करेंगे तो आप ये सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे। इस लाइव पेज के साथ अब हम देखेंगे कि आखिरकार फॉर्म भरना कैसे। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं आपके सामने जो ये पेज अपीयर हो रहा है वो ऑलरेडी फिल्ड है। यहां पर यूपीएससी ने फर्स्ट स्टेप में आपसे बहुत ही जनरल इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं, बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन मांगी गई है। आपसे नाम मांगा है, डेट ऑफ बर्थ, जहां जहां पर रेड मार्क्स है, रेड स्टार मार्क है, वो कंपलसरी इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना चाह रहे हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है यहां पर, जो यूपीएससी ने, जब हम देख रहे थे इंस्ट्रक्शन पेज में कि आखिरकार कैंडिडेट के लिए जो इंस्ट्रक्शन थे उसमें यूपीएससी ने एक 19th नंबर ऑफ पॉइंट को बोल्ड में लिखा था कि आप अपना मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर और साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर और किस एग्जाम में आप अपियर होना चाह रहे हैं, यदि एक बार आपने वो फिल कर दिया है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो वो इससे जुड़ा हुआ है। यहां पर समझिएगा कि आखिरकार आप किस एग्जाम के लिए यहां पर अपियर होना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, या दोनों के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दोनों ही पेपर के लिए कॉमन होता है। तो जैसे मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इसके बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा, अपना एड्रेस भरूंगा, मोबाइल नंबर, जो जो यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं
जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उस जगह पर सारी चीजें डिटेल के साथ फिल करते हुए अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आप पहुंच जाओगे इस सेकेंड पेज पर। यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको क्या करना है, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। यदि आपके पास एज रिलैक्सेशन वाली चीज नहीं है तो आप क्या करिएगा, यहां पर जाकर सेलेक्ट में नो, एंड देन उसके बाद आप कीजिए कंटिन्यू और आप पहुंच जाओगे थर्ड पेज पर। तो देखिए ये पेज जो है उसमें यूपीएससी ने आपसे मांगा कि आप कौन सा फोटो आइडेंटिटी कार्ड सबमिट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे ये डायरेक्टली आईडी कार्ड मांगा जाएगा। तो जो आईडी कार्ड आपके पास है वही आईडी कार्ड आपको इवन प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज इंटरव्यू तक आपको लेकर जाना होगा। तो यहां पर यूपीएससी आपसे वो वाली इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सेकेंडली यहां पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में परसेंटेज कितने हैं तो वो फिल कर दीजिएगा। यहां पर यूपीएससी पूछ रहा है कितने अटेम्प्ट्स आपने पहले दे दिए, यदि आपको प्रथम प्रयास है तो डायरेक्टली यहां पर आएगा जीरो। उसके बाद यूपीएससी आपसे पूछ रहा है कि आखिर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहां भरना चाहेंगे, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आप प्रेफर करना चाहेंगे। तो ये आपको यहां पर इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या चूज करना चाहेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देनी पड़ेगी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। सिमिलरली यूपीएससी आपसे वही चीज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी पूछेगा यदि आपने फर्स्ट पेज में सिविल सर्विस और आईएफओएस दोनों को ही ऑप्ट किया है। इसके पश्चात ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको करना है सीधा कंटिन्यू, और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो ये पूरा का पूरा पेज आपके सामने खुल जाएगा। जो आपने अभी तक चीजें भरी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक डाली है, यूपीएससी आपको एक उसका फॉर्मेट बता देगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। प्लीज इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई आपसे सिली मिस्टेक हो गई हो, तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, तभी हम ये वाला चीज देख रहे हैं। तो इसके पश्चात आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से समझनी है, सारी चीजें ठीक से देखनी है, और जैसे ही आपको लग रहा है कि आपने सारी चीजें सही भरी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी है, उसके बाद क्या करना है, स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर मांगेगा आपसे कंफर्म दिस पर्टिकुलर इमेज और देन कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस पर्टिकुलर इमेज को फिल करेंगे। यहां पर जाकर जो इन्होंने कैप्चा दिया हुआ है उसे देखते हैं उन्होंने क्या चीज लिखी हुई। तो पिछले वाले पेज का जो नीचे वाला पार्ट था जहां पर आपसे कैप्चा भरवाया जा रहा था, जहां पर आपसे एक इमेज भरवाई जा रही थी, उसको भरने के पश्चात आई एग्री का बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप आई एग्री का बटन क्लिक करेंगे यूपीएससी आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स दिखाएगा जिसमें यह चीज लिखी होगी कि यदि आप अभी एग्री कर रहे हैं तो इसके पश्चात आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप वहां पर ओके क्लिक करेंगे तो आप इस फाइनल पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी। ये रजिस्ट्रेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद क्या होगा, आप सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया था यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दो पार्ट में आपको फॉर्म फिल करवा रहा है, पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया है और पार्ट टू को फिल करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन आईडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, इस रजिस्ट्रेशन आईडी को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ आप पार्ट टू फिल करेंगे। तो चलिए पार्ट टू को देखते हैं। तो जैसे ही आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस रजिस्ट्रेशन आईडी को ठीक से नोट कर लीजिए, और जैसे ही आपने इसे नोट कर लिया है स्क्रोल डाउन कीजिए यहां पर, या तो आप इसे प्रिंट स्लिप दे दीजिए ताकि आपके पास ये चीज हमेशा के लिए रहे, या फिर आप रजिस्ट्रेशन आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन आप डायरेक्टली जाइए क्लिक हियर फॉर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन जाएंगे डायरेक्टली आपका फॉर्म पार्ट टू का ओपन हो जाएगा। पार्ट टू का जैसे ही चीज ओपन होती है आपको यहां पर क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है एंड डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंड जाते हैं अपने सेकेंड स्टेज के अंदर। जैसे ही पार्ट टू का रजिस्ट्रेशन आईडी आप फिल करेंगे, वहां पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो आपके लिए डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर जाकर आपको क्या करना है, आपको फॉर्म की फीस सबमिट करनी है, और जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे डायरेक्टली उसके थर्ड प्रोसेस पर। जैसे ही पेमेंट के पेज पर जाकर आप अपना पेमेंट भरेंगे उसके साथ आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपके सामने नेक्स्ट ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने। तो जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सारे के सारे इमेजेस अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद यूपीएससी आपको इस पेज पर ले आएगा। यहां पर आपको सबसे पहले जो भी आप अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं उसका आईडी नंबर यहां पर फिल करना पड़ेगा। आईडी नंबर के बाद आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका होने वाला है उसे यहां पर फिल करना पड़ेगा कि आखिरकार आप कौन सा सेंटर लेने वाले हैं। इसे फिल करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन में जो चीजें लिखी गई है ध्यान से पढ़िएगा, एंड देन जो ये ग्रीन लाइन में चीज लिखी गई है कि आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड फाइनली सबमिट,
यहां पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यूपीएससी आपको डायरेक्टली क्या देगा कि व्यू और प्रिंट योर एप्लीकेशन। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको वापस अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी देनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ, और उसके पश्चात आपको आपका फाइनल जो फॉर्म है वो दिख जाएगा। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देंगे तो फाइनली यूपीएससी आपको ये फॉर्म शो करेगा जो आपका फाइनल फॉर्म होगा। इसमें यूपीएससी आपको सारी चीजें जो भी अभी तक आपने डिटेल्स दी हैं वो फाइनली आपको एक ही पेज पर दे देगा। यदि आप चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप इसे इस फॉर्म को अपने साथ संभाल कर रखिएगा, क्योंकि फाइनली जब आप मेन से इंटरव्यू में जाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है आपके लिए कि आप इसे शो कर सके यूपीएससी को। तो आशा करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारी बारीकियां जो अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस की है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ये सारी चीजें ठीक से सुनकर अपने फॉर्म को भरेंगे, और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इस चीज को, प्लीज विद इन 2 to 3 days अपने फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो दिल्ली सेंटर फेल हो जाता है और ऐसे में आपको कोई दूसरा सेंटर भरना पड़ता है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आप दिल्ली सेंटर लें तो विद इन 2 to 3 days भरने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से जो बाकी चहल एकेडमी के वीडियोस हैं प्लीज उन्हें देखिए, क्योंकि वो सारे वीडियोस भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। थैंक यू।